आगे बढ़ते हैं। जेडीसी रवि जैन की लगातार मॉनिटरिंग के बाद अब झूटवाड़ा लिमिटेड रोड की राह आसान हो गई है। ट्राइटन मॉल के पास जिस जगह के वजह से रोड के तीन पिलर्स का काम रुका हुआ था, उस जगह से जेडीए ने अतिक्रमण को हटाकर जमीन पर कब्जा ले लिया है। अतिक्रमण हटने के बाद मौके का जायजा लिया संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार ने। राजधानी का एक बहुत बड़ा इलाका झूटवाड़ा लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहा है और उसका कारण था झूटवाड़ा की ये पुलिया, जिसकी चौड़ाई इतनी कम है कि दिन में दर्जनों बार इस पर जाम लगता रहता है। इसी परेशानी को देखते हुए जेडीए ने यहाँ पर एलिवेटेड रोड की प्लानिंग की है, जिसका काम अब चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एलिवेटेड रोड आकार ले चुका है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि एलिवेटेड रोड के काम के बीच में जो एक अवरोधक था 80 मीटर ये ज़मीन, जिसकी वजह से एलिवेटेड रोड के तीन पिलर नहीं बन पा रहे थे, अब उस ज़मीन पर भी जेडीए ने कब्जा ले लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस ज़मीन पर जो कंस्ट्रक्शन थे उनको हटा दिया गया है, ज़मीन को समतल करने का काम चल रहा है और इसी जगह की वजह से, जिस जगह पर जेडीए ने कब्जा लिया है, इस रोड के महत्वपूर्ण तीन पिलर नहीं बन पा रहे थे। ये एक आखिरी अवरोधक इस रोड में था जिसको जेडीए ने दूर कर लिया है। जेडीसी रवि जैन की कोशिश है कि हर सूरत में ये जो एलिवेटेड रोड है झूटवाड़ा का, इसकी सौगात झूटवाड़ा के लोगों को जून 2023 तक मिल जाए और इसे पूरा करने के लिए जो निदेशक इंजीनियरिंग हैं देवेंद्र गुप्ता, एक्सीएन अजय राठौड़, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस रोड, इस ज़मीन पर कब्जा लेने के बाद जो बाकी तीन पिलर बचे थे उनका काम अब तेज़ी से शुरू होगा और बहुत जल्द झूटवाड़ा के लोगों को तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबे एक शानदार एलिवेटेड रोड की सौगात मिल सकेगी। और इस सौगात के मिलने के बाद जो बरसों पुरानी ट्रैफिक जाम की समस्या है झूटवाड़ा के लोगों की, उससे लोगों को निजात मिलेगी। कैमरामैन घनश्याम करोल के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।